देखो ये हमारा लेक्चर टू है बेसिकली। वैसे तो हम थर्ड लेक्चर में जा रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, जो सॉल्यूशन निकालने का तरीका था, जो मेथड था, लास्ट टाइम पे हमने बस इसकी हेडिंग बनाई थी, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब समझो। तो पहला मेथड हमने मार्क किया था ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। मेथड नंबर टू था हमारा अलजेब्राइक। अलजेब्राइक के अंदर बहुत सारे पार्ट्स थे, फोर पार्ट्स थे, तीन तो एनसीईआरटी में दिया है, फोर्थ वाला मैं बताऊंगा तुम लोगों को। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड कंपैरिजन मेथड। तो ये चार मेथड थे। अब आज की क्लास से हम लोग इनको सॉल्व करना सीखेंगे, मतलब आज हमने ग्राफिकल मेथड को पूरा स्टार्ट करना है और खत्म करना है। फिर अगली क्लासेस से हम इन चारों मेथड्स को भी सीखेंगे। तो ऊपर एक हेडिंग बनाओ, यही हेडिंग रहेगी, टू अंडरस्टैंड द अप्रोच एंड मेथड टू सॉल्व इक्वेशंस ग्राफिकली। इसकी हेडिंग बनाओ जल्दी से। बना ली सर। चलो वेरी गुड। अब देखो करने क्या वाले हैं, तो ग्राफ प्लॉट करने पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ग्राफ प्लॉट करना हमने क्लास नाइन्थ में सीखा है, क्लास नाइन्थ में हमने सीखा है सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, फिर टेबल कैसे बनाते हैं, ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। मैं आज की क्लास में तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तुम्हें गाजर का हलवा तो मिलेगा नहीं कि दो इक्वेशन दे देगा, सॉल्यूशन फाइंड करो ग्राफिकली। ये तो बहुत ही बेसिक हो गया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। बट हम स्टार्ट ऐसे ही क्वेश्चन से करेंगे आज। 3.2 क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following pair of linear equations are consistent slash inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. देखो तुम्हें याद होगा कुछ लेक्चर्स पहले मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर फोर में सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक कर लो, ग्राफ हम लोग बाद में बनाएंगे। तो वो टाइम आ चुका है ग्राफ बनाने वाला। देखो क्या करोगे, पहले कंसिस्टेंसी चेक करनी है A1 by A2, और अगर ये कंसिस्टेंट है, लिखा है ना इफ कंसिस्टेंट देन ऑप्टेन सोल्यूशन ग्राफिकली। तो A1 बाई A2 हो गया 1/2, B1 बाई B2 भी 1/2। तो ये दोनों जैसे ही इक्वल आ गए, हमें C1 बाई C2 भी चेक करना चाहिए। तो -5/-10, ये माइनस कहां से आ रहा है, क्योंकि हमने कांस्टेंट को ट्रांसपोज किया दोनों साइड में, तो ये भी आ रहा है 1/2। अब देखो तीनों इक्वल है, तो क्या ये कंसिस्टेंट है, बोलो। यस सर, इट इज कंसिस्टेंट। और कोइंसिडेंट लाइंस होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, तुम्हें इन दोनों लाइंस का ग्राफ बनाना होगा, दोनों लाइंस का ग्राफ बनाना होगा। मैं बस क्विकली रिकॉल करा देता हूं, x plus y equal to 5, x को निकाल लो y के टर्म्स में या y को निकाल लो x के टर्म्स में। और यहां पे तुमको डिटेल सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्लास नाइन्थ में हम पूरा रख के दिखाते थे y equal to 0, तो x कैलकुलेट करते थे। यहां पे अगर पॉसिबल है तो तुम ऑब्जेक्टिवली निकाल सकते हो, तुमसे स्टेप्स के मार्क्स कोई नहीं काटेगा। थ्री सॉल्यूशन निकालना जरूरी होता है, हालांकि दो सॉल्यूशन पे ही श्योर हो जाता है कि वो लाइन कैसी बन रही है। दो पॉइंट से वैसे भी यूनिक लाइन पास करती है, बट हम फिर भी तीन सॉल्यूशन निकालेंगे। तो वाई को जीरो रख लिया, एक्स कितना मिल गया 5, इसके करेस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर में 5,0। वाई को 1 रख लो, वाई को 2 रख लो, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। मैं बहुत क्विकली रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है, ये 3,2 हो गया। अब क्या करोगे, इन तीनों पॉइंट्स को ग्राफ पे जाके प्लॉट कर लोगे। फर्स्ट हो गया, सेकंड जो इक्वेशन है 2x plus 2y equal to 10, देखो ये इक्वेशन डिपेंडेंट है, कहने का मतलब इस पूरे में से अगर 2 कॉमन कर लो तो पहली इक्वेशन बन जाएगी, या इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लो थ्रू आउट तो ये इक्वेशन बन जाएगी, मतलब ये डिपेंडेंट इक्वेशन है। तो इसका भी टेबल फॉर्म कर लोगे। अब इसका ग्राफ जो बनेगा वो तो कोइंसिडेंट होगा, एक के ऊपर एक होगा, है ना, बट तुम्हें ग्राफ तो बना के दिखाना ही होगा, तो अलग अलग सॉल्यूशन निकालना, या चाहो तो यही सॉल्यूशन कॉपी कर देना, बट मैं तो ये बोलूंगा अलग अलग सॉल्यूशन निकालना। यहां पे तुमने 0, 1, 2 लिया है ना, आप कुछ और ले लो, -1, -3, -2, कुछ भी ले लो रैंडम। अब जब इन दोनों को प्लॉट करोगे, दोनों को जब प्लॉट करोगे तो देखो मैं एक रफ आइडिया तुम्हें दे देता हूं, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश और ये वाई, ये हमारा ओरिजिन है। 5,0 ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर जाएगा, मेरे पास एक्चुअल स्केल नहीं है तो मैं ऐसी बस ड्रॉ कर रहा हूं। 4,1 कुछ ऐसा होगा और 3,2 कुछ ऐसा बन जाएगा।
अब जब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, उस स्ट्रेट लाइन को तुम्हें दोनों साइड से एक्सटेंड करना है। मेरी लाइन टेढ़ी बनेगी, मुझे पता थी, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल स्केल नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो पॉइंट इधर उधर नहीं जाएगा, बिल्कुल पॉइंट से लाइन पास कर जाएगी। और अगर तुम्हारे ग्राफ पेपर पे तुम बना रहे हो, कोई पॉइंट इधर उधर चला गया, मतलब सॉल्यूशन निकालने में गलती हो गई है। दोनों साइड एरो लगाना, इस लाइन पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिख देना। दूसरी लाइन, ये वाली लाइन भी तो इसी के ऊपर बनेगी, बट दूसरे केसेस में क्या होगा, ये लाइन कुछ ऐसे भी बन सकती है, इधर से बन सकती है, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। तो इसका मैं तुम्हें फाइनल फिगर दिखाता हूं कैसा बनेगा। ये देखो, सॉल्यूशन निकाल लिया पहले, कंसिस्टेंट है वो डिसाइड कर लिया, उसके बाद दोनों का सॉल्यूशन निकाल के इस तरीके से हमने फाइनली प्लॉट करना है। ग्राफ जब भी यूज करोगे तो पेंसिल का यूज होगा, ग्राफ पे पेन से कुछ भी नहीं लिखते हैं। अगर एग्जाम में लिख रहे हो तो ग्राफ पे पेन से सिर्फ नाम लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर पेन से और यहां पे लिखते हैं अपना नाम, ठीक है। ये जो व्हाइट वाला कॉर्नर होता है ना, इसमें इसमें लिखते हैं अपना नाम, अगर एग्जाम में यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में भी यूज करोगे तो टॉप पे अपना नाम लिखोगे, पूरा नाम, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखोगे। यही दो चीजें पेन से लिखते हैं, बाकी हर चीज पेंसिल से लिखते हैं। स्केल लिखना भी बहुत आसान होता है, स्केल भी लिखना चाहिए, बिना स्केल के ग्राफ नहीं बनाना चाहिए। तो ये है बेसिक ग्राफ कैसे बनाया जाता है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट समझ गए, कोई परेशानी किसी को भी? पलक? नो सर। वेरी गुड। देखो ये तुम्हें करना है घर पे, ठीक है। अगर मैं अभी करने को दे दूं तो तुम शायद 15 से 20 मिनट टाइम लग जाएगा, उस टाइम में हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, अब इस तरीके वाला कोई क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा। थर्ड पार्ट में पहले कंसिस्टेंसी चेक करना, जो हमने बहुत पहले कर रखी है, इसका सिर्फ हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, दोनों लाइंस जो होंगी वो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो इन दोनों का ग्राफ तुम बना देना आसानी से, और इसका भी ग्राफ बना देना। यहां पे दो पॉइंट्स लिए हैं, बट तुम क्या करना, तीन सॉल्यूशन निकालना इस तरीके से, पहली लाइन और दूसरी लाइन आसानी से बन जाएगी। अब देखो दोनों लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट करती है ना, उसका कोऑर्डिनेट ग्राफ पेपर पे ढूंढना बहुत आसान होता है। जैसे ये पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो इसके करेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2, और इसके करेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू भी 2 हो गई। तो लास्ट में हम लिखेंगे सॉल्यूशन, कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का पॉइंट कौन सा है, पी 2, 2, सो एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन में लाइन कैसी बनती है, उन दोनों का ग्राफ बना के हम लोग समझ सकते हैं। ग्राफ पे इतने सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें दो इक्वेशन देगा, बोलेगा सॉल्यूशन फाइंड करो ग्राफिकली, वो कुछ और चीजें पूछेगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा वो सब चीजें, बट पहले हम लोग एनसीईआरटी खत्म कर लें। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था, सबको क्लियर हुआ, बोलो। हाँ जी सर। वेरी नाइस, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा उस कैटेगरी में आता है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, समझो पहले इसको। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन 1 लिख लिए हम लोग, एक्स माइनस वाई प्लस 1, ये क्वेश्चन हम लोग प्लॉट करके देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके देखेंगे। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and x-axis and the shade the region जो बन रहा है, triangular region जो बन रहा है उसको shade करना है, shading करनी है। चलो start करते हैं, मेरे साथ साथ करना शुरू कर दो। सबसे पहले equation 1 का solution बनाओ, table में equation 1 के solution बनाओ, निकाल लो solution, मैं पूछूंगा एक एक करके, कोई बैठेगा नहीं। पहली equation हमारी x, ऐसे लिखते हैं पहली इक्वेशन को, y निकाल लेते हैं, तो y विल बी x प्लस 1, जल्दी से निकालो, मैं पूछूंगा, तीन सॉल्यूशन चाहिए मुझे। और दूसरी में क्या करना, ऐसे कुछ भी मन करे निकाल लो, 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x और y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2, तो यहां भी सॉल्यूशन निकाल लोगे, तीन सॉल्यूशन, कितना करो जल्दी से।
स्टेप्स दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर पॉसिबल है तो माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई भी तुम्हारे मार्क्स नहीं काट सकता इस चीज के लिए कि तुमने स्टेप्स क्यों नहीं दिखाए सॉल्यूशन निकालने वाले। क्लास नाइन्थ और टेंथ में यही डिफरेंस है, नाइन्थ में हमें पूरा सॉल्यूशन निकालना पड़ता था, सारे स्टेप्स दिखाने पड़ते थे। चलो पहला बन गया, पूछूं? यस सर। कनिष्ठ पहला बताओ। सो तीनों फर्स्ट नहीं एक एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एंड वाई इज इक्वल टू वन। माइनस टू और वन, तो ये मिल गया माइनस टू कॉमा वन, बहुत आसान है। देखो एक्स को माइनस टू रख दो, यहाँ पे माइनस वन मिलेगा भाई, माइनस टू माइनस वन, राइट कनिष्ठ? यस सर। वेरी गुड। पलक दूसरा बताओ। एक्स की वैल्यू वन और वाई की टू, वन कॉमा टू, सही है। काशवी सर थ्री कॉमा फोर, एक्स थ्री, थ्री कॉमा फोर, ठीक है मैं समझ गया। थ्री कॉमा फोर बोल दोगे तो मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है थ्री जो है वो एब्सिसा है और फोर जो है वो ऑर्डिनेट है। सेकंड वाला पुलकित, सुनो मैंने फर्स्ट वाले किया अभी। अच्छा कोई बात नहीं, तनिष्ठ फर्स्ट कर लियो सेकंड वाले का। सर अच्छा कर लो, कोई बात नहीं आराम से कर लो। टू कॉमा थ्री, अभी देखता हूं सिक्स, हाँ ठीक है, एक्स पे टू वाई पे थ्री, यहां एक जीरो रख लो ना, जीरो रख के भी आ जाएगा। एक्स को जीरो पुट करोगे तो वाई सिक्स हो जाएगा, और वन पुट किया तो क्या आएगा, नाइन, पॉइंट में आ जा रहा है, कोई बात नहीं। थ्री पुट कर लोगे तो भी पॉइंट में आएगा, फोर पुट करके देखो जीरो आ जाएगा। देखो डेसिमल से कोई परेशानी नहीं है, डेसिमल से कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, वो भी नंबर हमको आते हैं। तो यहां तक प्लॉट कर लिया, आई मीन ये टेबल तुम लोगों ने बना लिया, कॉपी पे लिखो जल्दी से टेबल। अब हम चलते हैं ग्राफ प्लॉट करने, मेरे साथ साथ ड्रॉ करोगे मैं बहुत टाइम नहीं दे पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली, तो टेबल जल्दी से बना लो ग्राफ पेपर पे। हाँ वेरी गुड, मेरे साथ साथ चलोगे ग्राफ पेपर पे, चारों क्वाड्रेंट विजिबल होने चाहिए। मैंने देखा था बहुत साल पहले बच्चे ऐसे ग्राफ बनाते हैं, इस तरीके से सिखाया जाता है क्लास सेवेंथ में क्लास एट्थ में। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां पे ओरिजिन। अब ये ग्राफ कट जाएगा क्योंकि इसमें तुमने चारों क्वाड्रेंट को विजिबल दिखाना है, तो ऐसे ग्राफ बच्चे बनाते हैं। अब इस तरीके से ग्राफ नहीं बनाओगे, चारों क्वाड्रेंट को विजिबल रखोगे, मतलब एक्स और वाई एक्सिस दोनों साइड पे दिखे कि वो इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो रही है, दोनों साइड पे एरो लगाना कंपलसरी। तो इस तरीके से ग्राफ बनाओगे, वर्टिकल लाइन को वाई बोलते हैं, ये वाई डैश है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, दोनों जहां पे मीट करे वो ओरिजिन। मैं ड्रॉ करना शुरू कर रहा हूं, ठीक है, एक्स पे माइनस टू वाई पे माइनस वन, मेरा ग्राफ बिल्कुल गलत बनेगा क्योंकि मेरे पास एक्चुअल स्केल नहीं है। तो माइनस टू माइनस वन, एक्स पे माइनस टू, मैं एक काम करता हूं थोड़ा सा अंदाज से, तुम लोग एक्चुअली प्लॉट करके देखना, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट निकाले हैं ना ट्रायंगल के, तो तुम लोगों का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। दोनों लाइंस प्लॉट करके मुझे इन्फॉर्म करो। चलो तो माइनस टू कॉमा माइनस वन, ये कुछ यहां पे मिल रहा है। पॉइंट कैसे मार्क करते हैं, एक डॉट लगाते हैं उसको सर्कल कर देते हैं, ठीक है, तो माइनस टू कॉमा माइनस वन ये हो गया, वन कॉमा टू ये कुछ ऐसा हो गया, और थ्री कॉमा फोर ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि लाइन टेढ़ी दिख रही है मुझे, बट कोई बात नहीं, मेरा तो गलत होना ही था, मेरे पास एक्चुअल स्केल नहीं है ना। सर माइनस टू माइनस वन है क्या, माइनस टू प्लस वन है, एक्स को रखोगे माइनस टू तो माइनस वन आएगा ना भाई,
माइनस टू प्लस वन वाई माइनस वन होगा सर, आपने गलत किया। नहीं मैं समझ गया माइनस टू माइनस वन ये रहा, थर्ड क्वाड्रेंट बोलो, ऐसे बोलो, मुझे मेरी गलती तुरंत समझ आ गई। फिर वन कॉमा टू, एक्स पे वन वाई पे टू, फिर थ्री पे फोर, हाँ अब सही जा रहा है। तो आई थिंक ये लाइन मेरी बन जाएगी सही से। चलो काफी हद तक सही हो गई है, अरे वाह, मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट है ऑलमोस्ट। तो ये हो गई पहली लाइन, दोनों साइड पे एरो लगाना कंपलसरी है सर, मेरी दोनों लाइन प्रॉपर। वेरी गुड, दोनों लाइंस बन गई तनिष्क की, पहली लाइन हो गई है मेरी। अब दूसरी लाइन मैं करूंगा रेड से, 2.3 एक्स पे 2 वाई पे 3, तो ये पता नहीं इस लाइन पे मिलेगा, हाँ इसी लाइन पे मिलेगा, 2.3 इसी पे मिलेगा ना, एक्स पे 2 वाई पे 3, हाँ इसी पे मिलेगा। तो ये हो गया 2.3, यही मतलब सॉल्यूशन हो गया, कहने का मतलब। 0.6 एक्स पे 0 वाई पे 6, ये तो जगह ही नहीं है, चलो इधर कहीं से आएगा। और तीसरा 4.0 यहां से, तो इन तीनों को मिला देते हैं लाइन से, ये भी काफी हद तक सही बन गया है, फिर भी एग्जैक्ट नहीं है। अब दोनों साइड पे एरो लगाना कंपलसरी है, इस लाइन पे भी इक्वेशन लिख दिया जाता है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। मैं लैपटॉप को टेढ़ा नहीं कर सकता, तुम लोग क्या करोगे, कॉपी को टेढ़ा करके ऐसे लिखोगे, ठीक है। इक्वेशन कैसे लिखोगे देख लो, यहाँ पे ऐसे लिखोगे, लाइन के पैरेलल ही लिखोगे। मेरे पास, मैं लैपटॉप टेढ़ा नहीं कर पा रहा हूं, फिर भी कोशिश करता हूं। 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना भाई, 12 है या माइनस 12 इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया। अब देखो प्लॉटिंग तो हो गई हमारी, यहां तक का काम हो चुका है, सबका यहां तक बन गया, तो बताओ आगे चलेंगे। यस सर, यस सर, वेरी नाइस, अच्छी स्पीड है। अब सुनो, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्मड बाय दीज लाइंस, दीज लाइंस मतलब ये दोनों लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, तो वो ट्रायंगल और उसको शेडिंग भी करनी है। अब देखो कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है ये, दो चीजें हो सकती हैं इसी फिगर के लिए, ऐसे लिखता वो दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस जो उसने पूछा है, वो दूसरी लैंग्वेज भी यूज कर सकता है, वो यूज कर सकता है दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। अब समझोगे, जो फर्स्ट वाली है वो कौन सा रीजन है एक्चुअली, तो दीज लाइंस और एक्स एक्सिस बहुत ही क्लियरली ये वाला रीजन हमको दिख जाएगा, ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में कौन सा रीजन है, यही रीजन है ना। तो इसके जो वर्टिसेस हैं वो क्या क्या है, इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो, और इस पॉइंट को सी मान लो, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स लिख दो। फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखता हूं मैं, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा देखो 2.3, बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा देखो -1, और सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4.0। इसमें फर्स्ट वाले में मैं एक चीज और ऐड करता हूं, मैं तुमसे एरिया ट्रायंगल एबीसी भी पूछ रहा हूं, यही चीज ऐड की जाती है बोर्ड एग्जाम में, इस ट्रायंगल का एरिया भी पूछ लेंगे वो। अब देखो बहुत ध्यान से समझो, ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालते हैं। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ ही लेता हूं, इस ट्रायंगल का एबीसी का तुम्हें एरिया बताना है, चलो जरा निकाल के बताओ कितना आएगा, इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया बताओ, जो फिगर मैंने बनाया है उसका एरिया कितना होगा, जल्दी से बताओ। सर 25। 25 ओके, और बताओ काशवी। यस सर 25 है। पुलकित पे मुझे पूरा भरोसा है, पुलकित गलत आंसर नहीं देगा, क्योंकि ये पिछले साल मैंने बताया था इसको 9th में। सुन मैंने बोला था नहीं निकल सकता। नहीं निकल सकता, वेरी नाइस पुलकित, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ग्रेट। इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकल सकता है इस इंफॉर्मेशन के साथ। सर सॉरी, क्योंकि वो बेस और अच्छा यहाँ पे हेरोंस फॉर्मूला लग सकता है, अगर बाकी दोनों साइड्स भी पता हो। नहीं, यही इंफॉर्मेशन गिवन है, इसका एरिया मैंने पूछा है। विद दिस गिवन इंफॉर्मेशन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड,
इनसफिशियंट डेटा, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रट लिया इसको, इसका मतलब नहीं समझते हम लोग। बेस एंड हाइट शुड बी करेस्पॉन्डिंग, करेस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट क्या होती है समझो, अगर ये वाली बेस है ना बीसी, तो हाइट पॉइंट ए से आएगी तो ही करेस्पॉन्डिंग होगी, तो ये बेस और हाइट का करेस्पॉन्डिंग पेयर नहीं था यहाँ पे, तो हाफ इंटू टेन इंटू फाइव कर लोगे गलत हो जाएगा। तो जिसको भी बेस ले रहे हो, हाइट उसके अपोजिट वर्टेक्स से आनी चाहिए, ये बात दिमाग में बिठा लो। तो यहां पे ऐसा कुछ पेयर नहीं था, तो इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे, इनसफिशियंट डेटा। देखो इस क्वेश्चन में, अगर हम बीसी को बेस ले लें, अगर हम बीसी को बेस ले लें, कौन सा कलर यूज करूं मैं जो तुम्हें दिखे साफ साफ, डार्क ग्रीन। अगर मैं बीसी को बेस ले लूं, तो बीसी में ट्रायंगल एबीसी में बीसी अगर हमने कवर कर लिया तो वर्टेक्स ए बच गया। अब वर्टेक्स ए से जो हाइट होगी वही करेस्पॉन्डिंग होगी, तो ए से हाइट सीधा ड्रॉ कर लो इस तरीके से, इसको डी मान लो, ठीक है। तो एरिया कैसे लिखोगे, हाफ इंटू बीसी इंटू ए डी, ये बीसी और ए डी करेस्पॉन्डिंग हाइट है और बेस है। अब देखो यहां पे बीसी की वैल्यू कितनी होगी, कोई बता सकता है बीसी की वैल्यू कितनी होगी? फाइव, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फाइव। कभी भी ये मत सोचना कि ओ से सी है फोर प्लस का और ओ से बी है माइनस वन तो बेस हो जाएगा थ्री, ऐसा मत करना। ये माइनस वन क्या बता रहा है, डायरेक्शन, कभी भी डायरेक्शन नेगेटिव हो सकता है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव का मतलब ही नहीं है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव है इसका मतलब उसमें डायरेक्शन भी एसोसिएट हो गया है। तो माइनस वन ये बता रहा है कि वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड जा रहे हैं हम लोग, बस वैल्यू वन ही है। तो बेस की लेंथ कितनी है, ये फोर इधर है और वन इधर है, फाइव है बेस की लेंथ, फाइव। इंटू हाइट कितनी है, तो एडी की लेंथ बहुत ही आसान है निकालना, एडी की लेंथ कितनी होगी, थ्री होगी ना, तो 15/2 7.5 यूनिट स्क्वायर, 7.5 यूनिट स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये नई चीज ऐड कर देते हैं बोर्ड एग्जाम में, और बच्चे बोलते हैं ये कौन सा सवाल है, तो हमने पढ़ा ही नहीं था आज तक, हर चीज तुमने पढ़ी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। अब देखो सेकंड लैंग्वेज अगर इसने पूछ दी तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाली लैंग्वेज मतलब दीज लाइन्स एंड वाई एक्सिस, तो पहले उस एरिया को हम शेड करते हैं, फिर उसका एरिया निकालेंगे भी, रेड से शेड करते हैं। देखो दीज लाइन्स और वाई एक्सिस बहुत ही आसान है, ये वाला रीजन शेड करना है कि नहीं। अब ये ए, इस पॉइंट को हमने पी मान लिया, इस पॉइंट को हमने क्यू मान लिया, फिगर हॉचपॉच तो नहीं हो रहा है, फिगर हॉचपॉच तो नहीं हो रहा है, बोलो, वरना मैं क्लियर करके फिर से समझा सकता हूँ वाई वाला। हाँ वेरी गुड, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ ना, कब लिख रहा हूँ वो बस दिमाग में रखना है, लिखोगे तो फिर हॉचपॉच हो जाएगा, अभी सिर्फ देखोगे। सेकेंड पार्ट देखो, रेड कलर से मैंने शेड किया है, अब इसका एरिया जरा निकाल लिया जाए। एरिया निकालने से पहले इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, तो ए का कोऑर्डिनेट वही सेम रहेगा 2.3, पी पॉइंट हमारा दूसरा वर्टेक्स है जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0.1, बहुत आसान है लिखना क्योंकि वो वाई एक्सिस पे है। क्यू का कोऑर्डिनेट, क्यू भी वाई एक्सिस पे है, तो क्या लिखेंगे 0.6, 5 के ऊपर ये 6 है। अब इसका एरिया निकाला जाए, एरिया ट्रायंगल एबीसी, अब देखो एबीसी नहीं रहेगा, एपीक्यू होगा ये ट्रायंगल। देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस बार हमें बेस किसको लेना चाहिए, पीक्यू को लेना चाहिए, इंटू पीक्यू को बेस ले लिया तो हाइट पॉइंट ए से मिलनी चाहिए पीक्यू साइड पे, तो ये वाली हाइट का काम करेगा, इसको मान लिया हमने आर, तो हाफ इंटू पीक्यू इंटू ए आर। पीक्यू की लेंथ, पीक्यू की लेंथ होगी 6-1, 5, और ए आर की लेंथ कितनी है 2, तो ये हो गया 5 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट जैसी मर्जी। तो इस तरीके से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो तुम्हारे एग्जाम में अब किस टाइप के सवाल आएंगे, 1 मार्कर आएगा, 2 मार्कर आएगा, 4 मार्कर आएगा और 5 मार्कर आएगा, 3 मार्कर हट चुका है। तो ये सवाल मतलब इस साल से ये चेंज हुआ है ना 1, 2, 3 और 1, 2, 4 और 5 का, तो अब ये सवाल अगर एरिया तुमसे नहीं पूछ रहा है तो मैक्सिमम नहीं, 4 का नहीं आता ना, 1, 2, 3 और 5 हो गया इस साल, 1, 2, 3 और 5 हो गया ना, 4 मार्कर हट गए, हाँ 4 मार्कर हट गए, तो 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर। अब सुनो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा यहाँ पे, अगर सिर्फ एरिया मतलब एरिया अगर नहीं पूछता है तो सवाल बनेगा 3 मार्कर का, और अगर एरिया पूछ दिया जाए तो वो 5 मार्कर बनेगा। इसमें एक हॉट्स क्वेश्चन भी बन जाएगा, हॉट्स क्वेश्चन भी बन जाएगा, कैसे बनेगा पहले ये कॉपी कर लो फिर बता रहा हूं, ये कॉपी करो जल्दी से, इसी टॉपिक पे हॉट्स क्वेश्चन।
एरिया भी साथ करें या केवल शेडिंग और कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दें? ना ना, सब कुछ लिखो, मैंने इसमें कुछ ऐड किया है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो यहाँ तक आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट का यहाँ तक और सेकंड पार्ट का यहाँ तक, बट मैंने इसमें ऐड किया है एरिया भी बताने के लिए, तो उसको एरिया यहाँ निकाला है फर्स्ट पार्ट का और यहाँ निकाला है सेकंड पार्ट का, सब कुछ कॉपी करेंगे। ठीक है सर। सर हाँ बताओ पुलकित। सर इसमें जैसे दो ट्रायंगल बने थे तो हमें दोनों का एरिया निकालना होगा ना? नहीं नहीं नहीं, गिवन होगा। हाँ बिल्कुल गिवन होगा, इसमें कैसे गिवन है, दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, तो ये वाला निकालोगे सिर्फ, और अगर these lines on y-axis बोल देता है इसी फिगर में तो ये वाला निकालोगे। ठीक है, थोड़ा सा आराम से कॉपी कर लो, कुछ भी उल्टा फुल्टा ना लिखना, खिचड़ी ना बन जाए, कॉपी करके मुझे इन्फॉर्म करो, मैं 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं। देखो इस पे ना एक हॉट्स क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इस सवाल को तो छोड़ दो, एक दूसरा ग्राफ देखो, एक टॉपिक है तुम्हारे अंदर, मतलब चैप्टर तुमको मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में भी है, इसमें एक टॉपिक हमको पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके अंदर क्या सीखते हैं हम लोग, जैसे मान लो 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट तुमको दिए हैं ए बी और सी, ठीक है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3, तो इसका एरिया निकालने का एक फॉर्मूला हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के अंदर। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मॉडुलस x1 × y2 − y3, x2 × y3 − y1 और x3 × y1 − y2 मॉडुलस। ये मॉडुलस है मतलब नेगेटिव नहीं होता एरिया, इसलिए मॉड का साइन लगाते हैं। अब इस फॉर्मूले को यूज करके ट्रायंगल का एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं अगर तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमको पता है। ओके अब देखो हॉट सवाल कैसे बना सकते हैं, मैं एक रैंडम तुम्हें 3 लाइन का इक्वेशन देता हूं, a1x + b1y + c1 = 0, ये मान लो लाइन 1 है, a2x + b2y + c2 = 0, ये मान लो हमारी लाइन 2 है, और एक और लाइन लेते हैं a3x + b3y + c3 = 0, ये वालों मान लो लाइन 3 है। अब क्या करो, लाइन 1 का ग्राफ कुछ ऐसा है, रैंडम ग्राफ है, लाइन 2 का ग्राफ मान लो ऐसा है और लाइन 3 का ग्राफ मान लो ऐसा है, ये वालों मान लो लाइन 1 है, ये मान लो लाइन 2 है और ये वाली मान लो लाइन 3 है। अब तुमसे वो इन तीनों लाइंस के बीच का जो एरिया होगा उसका एरिया पूछेगा, इन तीनों लाइंस के बीच का जो रीजन है उसका एरिया तुमसे पूछा जाएगा, तो यहां पे तुमको ½ × base × height का फॉर्मूला हेल्प नहीं करेगा, यहां पे ½ × base × height का फॉर्मूला शायद उतनी अच्छे से हेल्प नहीं करेगा। तो क्या करोगे, इनका कोऑर्डिनेट्स पढ़ोगे, ए का कोऑर्डिनेट लिख लोगे देख के ग्राफ पे, बी का कोऑर्डिनेट लिख लोगे और सी का कोऑर्डिनेट भी लिख लोगे, और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल लोगे। बात समझ आ रही है? बोलो। ये क्लियर है? Yes. तो ये हाँ, ये देखो हॉट्स क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगा है, एक तो लीनियर इक्वेशन का लग गया, ग्राफिंग प्लॉटिंग लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, और एरिया निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं जिसमें एक से अधिक कॉन्सेप्ट लगा के सेम क्वेश्चन बनाते हैं। ओके तो इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेंगे ना तो एक क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का भी करेंगे जिसमें ऐसा कॉन्सेप्ट लगता हो। तो अभी के लिए सिर्फ ये हॉट्स लिख लो और ये सिचुएशन जो भी बोर्ड पे है इसको कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी करो। देखो इससे आगे देखो, ये 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 3.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज यू विल बी, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली। रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ रिप्रेजेंट कर देना है, तो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब 2 इक्वेशन बना के छोड़ देना है, ग्राफिकली मतलब दोनों को प्लॉट करके छोड़ देना है,
सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है। वर्ड प्रॉब्लम की एक बहुत ही डिमांड होती है, स्पेशल डिमांड होती है कि इसको स्टेटमेंट वाइज लिखना होता है, अजम्पशन को बहुत क्लियर लिखना होता है। ऐसा नहीं कि सीधे हम एक्स और वाई से शुरू कर दें बिना बताए कि एक्स क्या है वाई क्या है, पूरा अंडा जीरो मिलेगा। तो वर्ड प्रॉब्लम की थोड़ी सी स्पेशल डिमांड होती है। आफ्ताब है और उसकी डॉटर है, दोनों का एजेस के बारे में रिलेशन दे रहा है, तो आफ्ताब और उसकी डॉटर के एज को एक्स और वाई मान लेते हैं। लेट एज वाले क्वेश्चन में एक बात और ध्यान रखना, हमेशा हमको प्रेजेंट एज को एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल मन करे, हमेशा प्रेजेंट एज को अज्यूम करना। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स, उसकी डॉटर का प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर वाई ईयर्स। ये हो गया एज वाले क्वेश्चन में। मैं तुम्हें एक और प्रेजेंटेशन को अच्छा करने का टेक्निक बताता हूं। एक टेबल बना लिया करो, क्या बेहतरीन लगता है इससे। देखना बस टेबल में कहां कहां क्या क्या डालते हैं। देखो यहां लिखेंगे आफ्ताब और यहां पे उसकी डॉटर, एक बॉक्स छूट गया था, नहीं उल्टा लिख दिया हमने, वेट करो। यहां पे लिखेंगे आफ्ताब और यहां पे लिखेंगे उसकी डॉटर, देखो समझो, यहां पे उनकी प्रेजेंट एज लिखेंगे, आफ्ताब का एज एक्स है, डॉटर का वाई है। यहां तक हो गया। सेवन ईयर्स अगो मतलब 7 साल पहले, तो यहां लिखो 7 ईयर्स अगो। आफ्ताब कितने का रहा होगा अभी, अगर वो एक्स का है तो 7 साल पहले एक्स माइनस 7 का रहा होगा। जैसे हम अभी 20 साल के हैं, 7 साल पहले 13 साल के होंगे, कैसे निकाला 13, 20 माइनस 7। डॉटर अगर अभी वाई की है तो 7 साल पहले वो वाई माइनस 7 की रही होगी। अब इनमें रिलेशन दिया है, इन दोनों एजेस में रिलेशन दिया है, पढ़ते हैं। 7 ईयर्स अगो दोनों का 7 ईयर्स पहले वाला एज लिख लो, आफ्ताब का ये है, डॉटर का ये है। आई वॉज, आई कौन है यहाँ पे, आफ्ताब, क्योंकि आफ्ताब डॉटर को बोल रहा है, आई का मतलब आफ्ताब। तो आफ्ताब वॉज 7 times as old as you। यू कौन है, डॉटर, ठीक। तो आफ्ताब वॉज 7 times as old as you were then। देन का मतलब तुम भी उसी टाइम का एज लेना। तो 7 साल पहले आफ्ताब x माइनस 7, डॉटर y माइनस 7। अब मुझे ये बताओ 7 साल पहले किसकी एज कम थी, डॉटर की या आफ्ताब की, इनके रिलेशन पे मत जाना, डॉटर की। इनके रिलेशन पे मत जाना कि फादर हमेशा बड़ा ही होगा, उस पे मत जाना, सिर्फ इसको पढ़ के डिसाइड करना सीखो। आई वॉज 7 times as old as you were then, मतलब यू जो है वो 7 साल पहले छोटी एज का था, तभी तो उसके एज में 7 का इंटू करेंगे तो आफ्ताब का एज मिलेगा। जैसे 7 साल पहले मेरी एज और तुम्हारी एज में क्या रिलेशन रहा होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि आई वॉज 7 times as old as you were then, मतलब तुम्हारी एज का 7 times मेरा एज था, मतलब मैं तुमसे बड़ा एज का था। तो आफ्ताब जो है वो बड़ी एज का है। अब बताओ मुझे छोटे वाले में 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो बड़े वाले के इक्वल तो होना चाहिए ना उसको, या फिर बड़े वाले को 7 से डिवाइड कर ले तो छोटे वाले के इक्वल हो जाएगा, तो वैसे भी 7 ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई करेगा उधर। तो ये होता है टेक्निक वर्ड प्रॉब्लम को समझने का। अब इससे इक्वेशन बनाते हैं, एक्स माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। तो एक्स माइनस 7y इक्वल टू, ये उधर चला गया तो माइनस 42 फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहां तक क्लियर, बोलो। यहां तक ओके? यस सर। आगे पढ़ते हैं। एटीक्यू मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहां देखो ऑल्सो, ये ऑल्सो 3 years from now, तो यहां लिखो 3 years from now, 3 साल के बाद, अभी से 3 साल के बाद। तो ये x प्लस 3 का होगा, डॉटर y प्लस 3 की होगी। आई शैल बी 3 times as you will be,
तो आफ्ताब है x प्लस थ्री का और डॉटर है y प्लस थ्री की, तो i फिर से आफ्ताब है और इस बार क्या होगा, आफ्ताब थ्री टाइम्स होगा डॉटर की एज का, तो आफ्ताब थ्री टाइम्स कर दो, आफ्ताब इज इक्वल टू थ्री इंटू डॉटर का एज। यहां से इक्वेशन मिल गई x प्लस थ्री इक्वल टू थ्री वाई प्लस नाइन, तो फाइनल इक्वेशन मिल गई x माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, इक्वेशन नंबर टू। अल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में क्या करोगे, इन दोनों को तीन तीन सॉल्यूशन निकाल लोगे और उन दोनों लाइंस को प्लॉट कर लोगे, जैसा भी बनेगा ग्राफ जैसा भी बनेगा, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, ये बोर्ड पे लिख लो, इसका ग्राफिकल पार्ट तुम लोग घर पे कर लोगे, यहां तक लिख के इन्फॉर्म करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्राफिकल पार्ट कर लेना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, जैसा मैंने दिखाया था ना वैसा आते हैं, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, समझो इसको, मैं सिर्फ इक्वेशन बनाने में हेल्प करूंगा। कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3900, लेटर से बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड फॉर रुपीज 1300, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो देखो क्या करेंगे, एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू एक्स रुपीज और वन बॉल वाई रुपीज, एटी क्यू फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या खरीदता है वो देखो, थ्री बैट और सिक्स बॉल्स, तो एक बैट अगर एक्स का है, थ्री बैट थ्री एक्स का हो गया, सिक्स बॉल्स 6y 3900, कितना आसान है। और दूसरा लेटर बाद में क्या करती है, एक बैट खरीदती है, तो x और 2y इक्वल टू 1300, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन अल्जेब्रिकली, ग्राफिकली में दोनों को प्लॉट कर लोगे, आसान है ना। पहली वाली क्वेश्चन सिंपलीफाई हो सकती है, हाँ नहीं लेकिन करेंगे नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, देखो सिंपलीफाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट हम करेंगे नहीं क्योंकि फिर दोनों सेम इक्वेशन हो जाएगी। चेक करो, इसमें से थ्री कॉमन करके कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस टू वाई इक्वल टू 1300, तो ये डिपेंडेंट इक्वेशन है, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे वरना क्वेश्चन की फिर क्वेश्चन का मान रखेंगे ना, तो सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, दोनों को प्लॉट कर लेंगे। हाँ सेम लाइन मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक के ऊपर एक लाइन मिलेगी, कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी, तो ये कॉपी कर लो जल्दी से, ठीक है बच्चों। तो आज यही रखते हैं, हम नेक्स्ट क्लास पे इससे आगे चलेंगे, ओके चलो बाय।